लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। बराड़ की टीम जो हमारे राजा भाई जुबेर भाई अकोला से आए हुए हैं, तमाम लोगों का स्वागत है। सारनी से शाहरुख साहब और हमारे मुलतई से भी हमारे तमाम जितने भी लोग हैं, सरफराज वगैरह जितने भी लोग हैं, सब आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर पहुँचे, आप हमेशा मैच में शरीक होने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं, आप लोग आते हैं, अपना खेल का मजाहरा करते हैं और पुरसुकून अंदाज में आप लोग वापस चले जाते हैं, हमें खिदमत का मौका देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात तमाम लोगों का। मैं अकोला से हमारे जुबेर भाई कल्लू भाई उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरी तरफ आ जाएं। और हमारे जो भी बुजुर्ग यहाँ पर मैदान में मौजूद है, मुकारब भाई, हाजी मुकारब साहब, शुक्रिया, सवेरे से आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तासीन भाई और इस बीच पहली गेंद कमेंटेटर कमॉन, शुक्रिया। शॉर्ट गिनती ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, बराबर गेंद कन्वर्ट हुई नहीं, गेंद मिडाव क्षेत्र में फिर गई, पहली गेंद डॉट आई है। आउटसाइड पर गेंद हवा में, खिलाड़ी उस कैच के नीचे है, ले लिया कैच, पहला बॉल बिंदी दूसरी पर विकेट, कम ऑन डीजे। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अटल का ताला, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अटल का ताला। चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। पहला विकेट गिरा मीरा रोड का। मीरा रोड का पहला विकेट गिरा अब्दुल सिंघानिया के रूप में, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी थे। मीरा रोड ने बहुत जबरदस्त नुकसान करवा लिया। चलिए पहला विकेट, पहली गेंद भी दिया, उसके बाद अब्दुल्ला मैदान के बाहर गए, तो अब उसके बाद आए हैं अयूब, एक रन के साथ टीम का खाता खुला है। टीम तीन गेंदें हुई, एक बड़ा मुकाबला है, बिग फाइट बिग, एक तरफ मीरा रोड तो एक तरफ आसिफ है, कमेटी मेहमान है तो एक तरफ मेहमान है, मेजबानी मेहमान स्वागत किया जाएगा। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम कुरला प्रीमियर लीग 2024 का सरार महासंग्राम है, ये तो आगाज है, अंजाम आना बाकी है, ये तो जाकी ये पिक्चर आना बाकी है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं, फील्डिंग जल्द से जल्द, मीरा रोड के खिलाड़ी बैटिंग के लिए तैयार। इस्माइल की अगली गेंद, अच्छी खेती रिवर्स के अंदाज में खेल दिया, अब लाजवाब मगर खिलाड़ी बन गए दर्शक, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए फर्रार, नो बॉल का इशारा भी आया है, अगली गेंदों की फ्री हिट, खुरला प्रीमियर लीग 2024 सुपर हिट, अंपायर नो बॉल है क्या, थैंक यू धन्यवाद, नो बॉल नहीं है। पर जो हमारे खिलाड़ी हैं और शादाब ने अभी चौका जो मारा है, चाचा भतीजे बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक पर जो है भतीजा है और नॉन स्ट्राइक एंड पर अयूब कपूर मेंसर वाले। अगली गेंद इस्माइल की, शादाब को लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और ये ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद थी, उसे मारना चाहते थे, खेलना चाहते थे मगर बीट हुए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं, एक तरफ
हमारे साथी कमेंटेटर जहीर भाई, जहीर साहब बहुत अच्छी कमेंट्री सवेरे से जो दे रहे हैं, वो हमें सारे बॉल्स का और तमाम चीज़ों का को आगाह कर रहे हैं। बहुत अच्छी कमेंट्री जहीर भाई के द्वारा जो दी जा रही है, मैं चाहूँगा जहीर भाई के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुक्रिया भाईजान, आपकी दुआ और आपका आशीर्वाद चाहिए। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम है। ये गेंद बिंदी आई, ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला। टीम की रंग संख्या बनी है मीरा और टीम 5, 1 विकेट के नुकसान पर। आइए एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, सुनते हैं मधुर संगीत और फिर आते हैं मैदान पर। कमांड डीजे प्रोडक्शन। थैंक यू। अंकलेश्वर से हाजी आबिद साहब पेविलियन में पहुंच चुके हैं और इनकी तरफ से एक बहुत ही अहम ऐलान, जो भी छक्का मारेगा उसकी तरफ उसको 100 रुपए का इनाम हाजी आबिद साहब की तरफ से दिया जाएगा। शुक्रिया। 100 रुपए का इनाम मीरा रोड वाले अगर छक्का मारेंगे। अयुब भाई आप सुन रहे हैं, अगर आप 6 मारेंगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा हाजी आबिद साहब की तरफ से। ड्राइव किया गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा। अब हमारे सभी मेहमान आगमन हो रहा है, मीरा रोड के तमाम चाहने वाले आए हैं। तो मीरा रोड के लिए इनाम आया है कि हर बल्लेबाज कोई सिक्सर लगाएगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। टीम के लिए 100 रुपए का अनाउंस जो किया गया, वो मीरा रोड की टीम जो बैटिंग कर रही है उसके लिए 100 रुपए का इनाम है। छक्का जो भी मारेगा, 6 रन जो भी मारेगा, आबिद पठान के ससुराल वालों को 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आबिद पठान की तरफ से, फारूक भाई की तरफ से अनाउंसमेंट करने को कहा गया। बहुत कुछ मजा आएगा भाजन इस मैच में। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम। एक तरफ 80 विलेमन लड़ रही, तो एक तरफ मीरारो टीम है। खामा जाइए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, इतना यहाँ पर ध्यान रखे क्योंकि बहुत मुकाबले आने बाकी है। अच्छी गेंद अंदर के करीब आती हुई, डिफेंस किया है, अब लड़ना होगा। अच्छी गेंद का सम्मान, बुरी गेंद का अपमान करी। ये क्रिकेट आपको सिखाता है, ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी ये रुलाता है कभी हंसाता है, पता भी नहीं चलेगा। आपके लिए 100 रुपए का इनाम रखा गया। चेयर गर्ल जो है फिरोजा, वो एकदम खामोश है, आप जरा उन्हें नचाने की कोशिश करें। बैट का एज लगा था, खेल विकेट कीपर के दस्तानों से पैरों से रोकी गई, बाल बाल बच गए बल्लेबाज। ये क्रिकेट रंग बदलता है, ये क्रिकेट उसे फास्ट रंग बदलता है। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी है, दूसरा ओवर प्रगति पर है, रंग संख्या बनी अभी तक 6, लड़ना होगा। गफूर खान आसिफ इलेवन की तरफ से अगर किसी ने विकेट लिया तो 100 रुपए का इनाम फिरोज सिंघानिया की तरफ से, 100 रुपए का इनाम फिरोज सिंघानिया की तरफ से दिया जाएगा। लॉन्ग ऑन की तरफ शादाब ने एक शॉट पूरा किया। गफूर खान स्टेट का अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई बॉलर विकेट लेता है तो 100 रुपए का इनाम फिरोज सिंघानिया। वरी तो चाचा अब दोनों तरफ आग सिंघाने की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गेंदबाज विकेट लेंगे तो आपको इनाम मिलेगा और बल्लेबाज सिक्सर जड़ेंगे तो इनाम मिलेगा। एक लाजवाब मुकाबला आपको देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड खेलने के बाद बैट का हेड लगा, ब्लेड ऑन, बल्लेबाज गॉन, बड़ी मछली जाल में। कम ऑन डीजे। थैंक यू, न्यू बैटर जल्द से जल्द आए, जल्द से जल्द। 100 रुपए का इनाम फिरोज सिंघानिया की तरफ से दिया गया हसन को। हसन जो गफूर खान स्टेट के जिम्मेदार है, जो विकेट लिया है वसीम ने जो विकेट, 100 रुपए का इनाम सिंघानिया की तरफ से दिया गया है। जितने विकेट जाएंगे उतने सिक्सर लगेंगे, वो पैसा आपके पास जमा करें। जब मैच समाप्त होने के बाद तमाम बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को बुलाया जाएगा और वो इनामों की राशि दी जाएगी। और खांडेराव मैदान में तरफ आ चुके हैं, खांडेराव का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। और जो इर्शाद है नहीं बैटर मैदान पर, लेफ्ट हाथ के बल्लेबाज है, लड़ना होगा। आप पंसी ने मीरा रोड टीम को गंवाने होंगे दोस्तों, कहते हैं ना
मेहनत करने वालों को ऊपर वाले ने दिया है। देखिए अब मेहनत हुई तो ये तमाम कमेटी मेंबरान ने कोरला प्रीमियर लीग 2024 का महासंग्रह चेयर गर्ल ज्वाइन कर रहे हैं खाने राव। एक चेयर गर्ल तो ऑलरेडी है ही है फिरोज, दूसरे चेयर गर्ल अभी फिर आ चुके खांडेराव मैदान में। दो ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या है 7। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ऐसे गए और ऐसे आए। कम ऑन डीजे, अरे तमाम शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद। तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है कोरला प्रीमियर लीग ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल। आज LPL कुरला लोहार प्रीमियर लीग ये मैच शुरू है गफूर खान स्टेट और मीरा रोड के दरमियान। तीसरा मैच है ये, आज की टूर्नामेंट का तीसरा मैच खेला जा रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल, पब्लिक बहुत ही अच्छे, दर्शक तमाम बिरादरी के भाई यहाँ पर मौजूद, अपना कीमती वक्त निकाल के तमाम बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद, बाहर से भी हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे लोहार बिरादरी के तमाम लोग, आप तमाम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए। इस्माइल की अगली गेंद, अच्छी टप्पा खेलने के बाद अंदर की गरीब भाई करना, हल्का सा खेला और अच्छी गेंद का सम्मान, बुरी गेंद का अपमान करी, ये तो क्रिकेट आपको सिखाता है। शादाब स्ट्राइक पर है, लड़ना होगा, बल्लेबाजी का जलवे दिखाने होंगे मीरारो टीम को। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, रन संख्या है 7, 2 विकेट के नुकसान पर मीरारो टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है। शादाब की अगली गेंद, लो फुल्टर्स बनाकर खेलना चाहते थे, टप्पा गिरने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान से छूटकर गली रिजन थर्ड मैन पर जाती हुई। एक एक बिंदी गेंदें आपको परेशानी में डालेगी, ये मुकाबले को जीतना होगा तो अगले पड़ाव में जाना होगा। इस मुकाबले को आप गंवाएंगे एक साल इंतजार करना पड़ेगा। KPL 2025 लेकर आएगा, महासंग्राम है। आउटसाइड पर गेंद को खेला, लॉन्ग पर गेंद हवा में, खिलाड़ी उस कैचे क्या ड्रॉप, मौका मिला है शायद आपको, मगर ये मौका कितना फायदेमंद होगा। अब एक डगआउट में ताली बज रही है तो एक डगआउट में ताली बजनी चाहिए, मीरारो टीम को चेयर अप करना होगा। इस ओवर के बाद बल्ला दिया जाएगा, बल्ला इस गेंद के बाद लेकर आइए, आपको विनती मिलेगी हर चीज के लिए। बेहतरीन गेंद थी, दोनों बल्लेबाज लेफ्टी है, मगर खोलना होगा, ये आगाज है, अंजाम बाकी है, ये तो जाकी है, पीछे रहना बाकी है। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं, कोरला प्रीमियर लीग 2024 का महासंग्राम, मुझे लोहार प्रीमियर लीग। खेल दिया लोगों पर, गेंद हवा में है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये आता हुआ मैक्सिमम 6 रन, कमांड लीजिए। आबिद भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम इरशाद को, इरशाद ने जो सिक्स मारा, छक्का मारा। इरशाद भाई देख रहे हो आप मुझको, इरशाद भाई 100 रुपया इनाम आपको आबिद भाई की तरफ से। पेटीएम नंबर दे दो, पेटीएम नंबर। बेहतरीन बल्लेबाजी इरशाद द्वारा, और एक बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, खिलाड़ी है, ले लिया ये भी, ये तुम्हारी तो एक हमारी, कमांड डीजे। तुम जैसे देवरों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। डीजे थैंक यू, और विकेट गिरता हुआ, रन संख्या है 14 रनों पर। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग ब्लो आप देख रहे हैं, एक तरफ मीरा रोड है तो एक तरफ आसिफ इलेवन है। टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया, दावत थी 100 रुपया जो नहीं, अभी अभी लागू नहीं होता 100 रुपया, नहीं हाँ पूरी मैच का नहीं बोला था इन्होंने,
ये चेयर गर्ल को चेयर गर्ल रहने दो। नहीं नहीं पूरी टीम का नहीं बोले, पूरी टीम का नहीं। ये मीरा रोड के की तीसरी विकेट 14 रन कर के नुकसान, 14 रन पर तीसरी विकेट मीरा रोड की हो चुकी है। YouTube के माध्यम से जो हमारे दर्शक, हमारी बिरादरी के भाई बहनें जो मैच देख रहे हैं, तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस कुर्ला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में। अरे बेटा अंदर आ, वाइड बॉल का इशारा। मीरा रोड का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। शादाब स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर बोल्ड 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 एक और विकेट। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़ आया। कुर्ला लोहार प्रीमियर लीग का पहला टूर्नामेंट, इसमें अकोला से तशरीफ लाए हमारे बिरादरी नौजवान खिलाड़ी जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल यहाँ पर। और जुबैर साहब बहुत अच्छे शायर हैं, अपनी शायरी से जो मैदान पर आए अच्छे शायर जुबैर साहब तशरीफ फरमा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ यहाँ पर मेहरबानी करके कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो जुबैर भाई की तरफ जरा कैमरा करें। जुबैर भाई, जुबैर साहब जो अकोला से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ आपका। और ये टूर्नामेंट में आज आप पहला शेर बोलेंगे, शेर बोलने शायरी बोलने की शुरुआत करेंगे जुबैर साहब। शुक्रिया हमारे मेहमान सभी का, हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं KPL 2021 का 24 का ये महासंग्रह पहला शेर शेर बोलने जा रहे हैं जुबैर भाई। मैं सलाम वालेकुम, मैं अकोला से जुबैर सिंघानिया। मैं अल्लामा इकबाल के शेर से शुरुआत करता हूँ। यकतरा खुद अगर यक कतरा खुद आरी, अगर मुश्ते बामन बातुआ मौजम तरीक। हेलो हेलो, बेहतरीन गेंद थी, बल्लेबाज बीट होते हुए विकेट कीपर के दस्तान में ये गेंद जाकर छुपती हुई डॉट बॉल, स्कोर अपनी जगह पर रुका हुआ 16। 14 ओवर भगत ही बचलता हुआ, अब घेर खोलने होंगे मीरा रोड टीम के बल्लेबाजों को, घेर खोलना होगा, जवाब दिखाना होगा क्योंकि विरार से मीरा रोड जाना है तो टॉप के डालना ही होगा। फुल टॉस गई थी, गेंद को खेल दिया, कवर की दिशा पर जाती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग पार, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई, जब तक इनको फील किया जाएगा दो रन आसानी से पूरे होते हुए, दो रन के साथ स्कोर 118, 18 रनों पर ज्यादा हुआ। बहुत ही बेहतरीन मुकाबले आप देख रहे हैं लोहार प्रीमियर लीग KPL 2024 सीजन नंबर 1। लाजवाब गेंदबाजी का जलवा होता हुआ गेंदबाजों के द्वारा, बल्लेबाजों को खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं, खुलना होगा बल्लेबाजों को, कदमों का इस्तेमाल किया बॉलर्स में मौका था ये गवा दिया। मौके बार बार नहीं आते, तेवर साल में एक बार आता है, एक आगाज भी क्रिकेट का साल में एक बार। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, 4 ओवर बने, मैदान पर आएगा पानी, क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी ये देखेंगे एक ब्रेक के बाद। कम ऑन डीजे, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा,
आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, अंडे में अंडा, अंडा फंडे में फंडा, अंडा अंडे का अंडा, अंडा फंडे का फंडा, अंडा आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, बहुत अच्छा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। थैंक यू, धन्यवाद। जो मैच हम लोग देख रहे हैं, तमाम हमारे बिरादरी के भाई सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर बहुत ही दिलचस्पी के साथ में मैच को देख रहे हैं, साथ ही साथ YouTube पर जो हमारे दर्शक जो इस मैच का मज़ा ले रहे हैं, वो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाइयों, आपने सभी हमारे साथी, तमाम लोग जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर YouTube के जरिए, YouTube के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं, हम तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब ये मैच जो चल रहा है, आसिफ गफूर खान स्टेट इनकी तरफ से, इनकी टीम और मीरा रोड की टीम में, इन दोनों के दरमियान ये मैच जारी है। वासिद आएंगे गेंदबाजी पर पांचवा लेकर, और वाकई में आपने सही कहा, डीबीएन लाइव पे तमाम दर्शक हमें सुन रहे, देख रहे, तमाम हमारे देश नहीं विदेश तक ये तमाम युद्धा जा रही है डीबीएन लाइव के द्वारा, और हमारे घर बैठे सभी माँ बहनें, यह हमारे तमाम बुजुर्गों का जिन्होंने भी इस मुकाबले का अपने टीवी को ऑन किया है, मुकाबला देख रहे हो, सभी का हम दिल के गहराई से इस्तकबाल और स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच हमारे हाजी फारूक साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, हाजी आबिद साहब और हाजी फारूक मीरा रोड की टीम के लिए। आबिद साहब ने 100 रुपये का इनाम रखा है, जो भी सिक्स मारेगा 100 रुपये का इनाम हाजी आबिद साहब की तरफ से, और जीतेंगी अगर मीरा रोड की टीम अगर जीत गई, मीरा रोड अगर आपकी टीम जीत गई तो हाजी आबिद साहब की तरफ से 500 रुपये का इनाम आपको मिलेगा, 500 रुपये का इनाम हाजी आबिद साहब की तरफ से आपको मिलेगा। मैं तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग लेट ना करें, मैच को जल्दी से जल्दी शुरू करें, लेट ना करें, मैच को जल्दी शुरू करें, जल्दी ख़त्म करें। ये जो सिक्स मारा है किसने, वाहिद, वाहिद, वाहिद ने जो छक्का मारा, काजल मन करे से कोई घायल, तेरी आज्ञा का काजल मन करे से कोई घायल। इसके बाद में जो मैच होने वाला है, अंकलेश्वर की टीम और मंडाला की टीम, मंडाला टीपू नहीं, मंडाला चंदू की टीम, उनके दरमियान ये मैच होने वाला है। इसके बाद जो मैच होगा वो वाइड बॉल का इशारा, मीरा रोड का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर, ये पांचवा ओवर चल रहा है। बैटिंग के लिए क्रीज पर मौजूद है वाजिद, वाहिद और मेहराज। चलिए लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। अब बल्लेबाजों ने अपने घेर को खोला है, लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। सिंघानिया जो बहुत अच्छे बैट्समैन है, पिछली बार जो LPL का मैच हुआ था उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मजाहरा किया था, बहुत ही अच्छे बैट्समैन मेहराज सिंघानिया जो अभी क्रीज पर मौजूद है। तो ये बल्लेबाजों पर निगाह रहेगी, मेहराज क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइक पर है, तो वह वाहिद स्ट्राइक पर है, ये बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा, नाम बड़ा है तो काम भी करना होगा। दोस्तों आज के दिन अपने टीम के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जलवे दिखाने होंगे। अष्टम के बाहर गेंद है, अंपायर घूमेंगे, वाइड का इशारा, जो नेट में बच्चे खेले हो नेट से बाहर आ जाए,
वो नेट के अंदर कोई भी ना खेले प्लीज, वो नेट को खाली कर दे जल्द से जल्द। वो नेट के अंदर से जो भी बच्चे खेल रहे हैं वहां से बाहर आ जाए। छब्बीस रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। वाहिद के लिए अगली गेंद, फुट टॉस बनाया कर अकीन को मोड़ दिया, अकीन जाती हुई पॉइंट अकेले रिसन पर थोड़ा सा विफल हुए खिलाड़ी, और उसके बाद दो रन निकालने का मौका तीसरे रन की मांग होगी। नेट के अंदर जितने लोग खेल रहे हो नेट से बाहर आ जाए, नेट को खाली कर दे जल्द से जल्द। गफूर खान स्टेट की टीम अगर अगला विकेट लेती है तो समून चौहान सुल्ताना वाले इनकी तरफ से 100 रुपया जो बॉलर को दिया जाएगा, इन्होंने मुझे अभी कहा है। ड्राइव कर दी ऑन साइड में विकेट पर, गेंद जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा, एक ही रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी। वाहिद है एक तरफ, महराज है, नाम बड़ा है जिन्होंने कर दिखाया अपने टीम के लिए, लड़ा है लड़ना होगा। दोस्तों कहते हैं ना, वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है, वो मैदान दूसरा था ये मैदान दूसरा है, लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैदान पर अपने काम किया ये मैदान पर अपने को काम करना होगा। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिए, हल्को से खेला, पुश नेट, नेट पुश में जो लोग खेल रहे हैं, जो लोग नेट में खेल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो नेट से बाहर आ जाएं। जितने भी लोग जो मंडप में मेरी आवाज जो बाजू में जो मंडप में जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जो नेट में खेल रहे हैं उनसे मना करें उन्हें खेलने के लिए। वो जो भी लोग नेट में खेल रहे हैं उन्हें मना किया जाए। अच्छी गेंद उछाला लेती हुई सामने के मंडप पे, उनसे गुजारिश है कि आप लोग जरा मेहरबानी करके उन्हें, भाई बच्चे लोग नेट से बाहर आ जाओ जल्द से जल्द, नेट पे जो खेल रहे हैं उनसे बोलिए गेम में डिस्टर्ब हो रहा है। इरशाद भाई मीरा रोड के कैप्टन आपसे गुजारिश है कि जो नेट में बाजू में जो खेल रहे हैं आपके पास में, आप वहीं पर खड़े हैं, आपके पास जो लोग खेल रहे हैं उन्हें खेलने के लिए मना करें। इरशाद भाई मीरा रोड के खिलाड़ी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि जरा पास में आपके इधर जो नेट में जो लोग खेल रहे हैं उनसे हमारे कमेटी मेंबरान आपसे विनती है कि वो नेट में जाए, वो बच्चे लोग को जल्द से जल्द बाहर निकाले, जल्द से जल्द वो नेट से बाहर आ जाए बच्चे लोग। कोई भी वो नेट के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेगा ये ध्यान में रखिए, नेट आपको पे प्रैक्टिस ना करें मेहरबानी करके, डिस्टर्ब होता है, वहां एकेडमी चलती है, छोटे बच्चे वहां पर खेलते हैं। फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है फाइनल एक पर, बॉल बॉल बच गए, रनआउट का मौका भी गवाया। बैकअप नहीं तो आपका बैकअप करना होगा। एक रन के साथ इसको जवाब होता हुआ 31, लीग बॉय का इशारा बाद और आया था, जवाब देना होगा, एक लाजवाब विकेट की मेजबानी। एक तरफ वाहिद है तो एक तरफ महराज है, महराज अपनी टीम के लिए महराज पहना पाएंगे अपनी टीम का, ये देखने वाली बात होगी, मगर लड़ना होगा क्योंकि ये मुकाबला आप जीतेंगे तो अगले मुकाबले में खेलने की विनती मिलेगी, इस मैदान पर अपने कदम रुकेंगे, इस मुकाबले को गवाया तो इस टूर्नामेंट के लिए एक साल दरवाजे खटखटाने भी पड़ेंगे। अच्छी गेंद थी, ड्राइव कर दी, गेंद लॉन्ग ऑफ पर आती हुई गेंद को फील किया जाएगा, बेहतरीन फील्डिंग रहमान है लॉन्ग ऑफ पर, लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ, लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ, छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, लोहार बीमे लीग 2023-24 सीजन नंबर 1 LPL 2024 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। महासंग्राम में लड़ना है, पसीने गंवाने हैं, इतनी खूबसूरत ट्रॉफी है और कोई नहीं चाहेगा कि हम फाइनल तक जाए, 12 टीमों में से 12 टीमें चाहेगी कि हमारे को लड़ना है उस ट्रॉफी को लेकर जाना है, मगर दो टीमें के एक टीमों को ट्रॉफी जरूर दी जाएगी। ऑफ स्टंप पर आए, खेलना चाहते थे, गेंद विकेट लेग स्टंप छोड़ कर जाती हुई, वाइट का इशारा बाद और आता हुआ, वाइट के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या जा पहुंचेगी 33 रनों पर, अभी भी मंजिले घेर बदलना होगा बल्लेबाजों को मेरा टीम के, क्योंकि छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, इसके बाद दो ओवर का खेल आपके पास बचा हुआ रहेगा। अगली गेंद आउटसाइड पर, गेंद को मोड़ दिया, गेंद मिड विकेट पर जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा। बहुत ही अच्छे खेल का मजाहरा मेराज द्वारा, बहुत अच्छे हिटर खिलाड़ी है मेराज सिंघानिया, बहुत मजा आएगा, बहुत स्टार खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं मेराज सिंघानिया साहब। नाम बड़ा है तो मैदान के अंदर काम भी बड़ा करना होगा। मेराज ने आपने किया था मगर वो साल दूसरा था, ये बहुत साल दूसरा है। मेराज जिनके लिए मैं ये कहूंगा, लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया, गेंद हवा में, ये कैच बहुत ही महत्व, मगर गेंद आगे गिरती हुई,
गेंद को रोका है, दो रन रोकने में नाकाम। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, एक तरफ ताली बजेगी, एक कभी खुशी तो एक अकाउंट में गम है, कभी खुशी कभी गम, तो ये तो क्रिकेट का नाम है ना दोस्तों, क्योंकि भारत ने लगातार मुकाबले जीते, ग्रैंड फाइनल मुकाबला गवाया और पूरी भारत की जनता नहीं पूरा देश रोया है, वर्ल्ड कप गवाया हमारे भारत ने। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी थी, मगर ये भी मेजबानी कम नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए दोस्तों, चलिए ध्यान में रखिए क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ। लॉन्ग ओवर पर खेल दिया, फिर कैच का मौका है, ले लिया आप बल्लेबाज, वाहिद इरफान। शुक्रिया फुल सपोर्टर आए हैं, सपोर्टर्स हमारे बच्चे, क्या लाजवाब है, डीजे बज रहा है उसके ऊपर, झूम रहे गा रहे हैं, नाचने के लिए मौका है, सपोर्ट करते हुए। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ, मेरी बात में क्या रखा है, मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है। बेशक लाजवाब ये क्रिकेट चलता हुआ, न्यू बैटर मैदान पर आए हैं, इस्माइल आए हैं न्यू बैटर, अगली गेंद इस्माइल के लिए आती हुई। वंस मोर, मुझे वंस मोर कहा गया है कि मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ कि मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ, मेरी बात में क्या रखा है, मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है। स्कोर जा पता हुआ, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बने हैं। समीर को समून भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम। समीर भाई 100 रुपये आपका इनाम ले लीजिएगा और 200 रुपये समीर को हैदर भाई की तरफ से, 200 रुपये हैदर भाई की तरफ से समीर को। वासी इतनी गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, और किसी को बहुत बहुत शुक्रिया समून भाई आप लोगों ने, आपने बच्चों की हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया चाहिए और भी किसी भाई को शुक्रिया चाहिए तो वो मंच की तरफ आ सकता है। समून भाई और भी घोषणा करने के लिए तैयार, समून भाई की जेब में सिर्फ 60 रुपए बचे हैं। मैं आसिफ से कहूंगा समून को 5,000 रुपया दे दीजिए मेहरबानी करके अपने अब्बा को। बहुत ही बड़ी मछली जाल में आती बल्लेबाज गोंद, मैरास का इनाम दिया हैदर की तरफ से 300 रुपया, हैदर की तरफ से 300 रुपया, गफूर खान के 6 विकेट हुआ है, वाजिद को हैदर ने 300 रुपए का इनाम दिया है। ये हमारे फारूक साहब, वो हमारे 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 फारूक साहब अंकलेश्वर से, बच्चों ये बच्चे जो नाच रहे, ये जो बच्चे नाच रहे, बच्चे लोग इधर देखो, बहुत ही बड़ा विकेट, ये 200 रुपया आपको इनाम, आप लोगों ये आ जाओ बच्चे लोग, चाचा आप पहले बाहर आ जाओ बाउंड्री लाइन से बाहर, हाजी दिलशाद को बहुत ही खुशी के साथ में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, बहुत ही मुसर्रत के साथ में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारे बीच हमारी बिरादरी के बहुत ही मशहूर शख्सियत हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बहुत ही बड़े शायर जो इस मैदान में मौजूद है, डिग्रस से ताल्लुक रखते हैं, जो पिलानी के हमारे चौहान हैं, जनाब सलीम चौहान साहब जो शायर हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल इस मैदान में। सलीम चौहान के नाम के साथ में ये 4 रन मीरा रोड की टीम को, सलीम चौहान से
मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी तरफ आए सलीम चौहान साहब। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ये हमेशा हमारे साथ में मौजूद होते हैं। सलीम चौहान साहब ये बहुत अच्छे बहुत बड़े शायर हैं जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में हमारी बिरादरी का नाम रोशन करते हैं। मैं सलीम चौहान साहब का इस विरार के कुर्ला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और एक शेर मैं इनसे कहूंगा कि आप शुरुआत करें एक शेर आज के इस मौके पर बगैर देरी किए हुए। बहुत शुक्रिया शकील साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब। बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक खेल का मंजर और उसी के साथ साथ सबसे इसमें चार चांद लगाते हुए ये खूबसूरत से बच्चे। मैं सबसे पहले आसिफ और उसकी टीम को बहुत मुबारकबाद दूंगा जिसने इतना खूबसूरत जो है वो टूर्नामेंट किया और ये टूर्नामेंट दर बदर खूबसूरत होता हुआ। मैं राज साहब के इन मिस्रों के साथ ये मतला पेश करता हूँ कि गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है कि गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। और फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है। फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है तुझे खबर नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। शुक्रिया शकील साहब। मैं चाहता हूं कि कमेंट्री का आप बाहर संभाले मुशायरा होगा तो इंशाल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। सलीम चौहान साहब हमारे बिरादरी के बहुत ही होनहार शायर जो हमें फख्र के साथ में ये कहना पड़ता है कि हमारी बिरादरी का नाम ये दुबई में हमेशा मुशायरे भरे इंटरनेशनल मुशायरे होते हैं कुल हिंद मुशायरे होते हैं उसमें ये सलीम साहब बहुत ही अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। जहीर भाई जहीर भाई शुक्रिया। बताता सब बताता हूँ। और मैदान में हमारे इस्लामू सेठ इस्लामू खिलजी साहब आप तशरीफ लाए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्लामू खिलजी साहब। साथ ही साथ हमारे जाफर भाई और फारूक भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लाए। डीजे वाजो डीजे वाजो। ये बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं उनको 200 रुपए का इनाम फारूक भाई ने दिया है। जो बच्चों से गुजारिश है फारूक भाई अंकलेश्वर आलम डीजे थैंक यू। अभी खेल इंडिपेंडेंट मैदान पर आए हैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं 200 रुपए का इनाम फारूक भाई ऊपर से खेलती है गेंद आती हुई दो रन। हाजी फारूक साहब इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं गफूर खान स्टेट के इन्हें दिया गया है। बच्चों तुम्हारा इनाम जो है वो हाजी दिलशाद साहब के पास दिया गया आप उनसे कलेक्ट कर लीजिएगा। बैट का किनारा विकेट कीपर का सारा मिल गई विकेट कमांड दीजिए। सुन ले रे फुल जड़ी तन्ने मेरा चल ना जोर तेरा तीर छोर कर भाभी।
आखिरी ओवर चल रहा है 53। शायद अच्छी गेंद टपा गिरने के बाद सीधी विकेट कीपर की दशा में डॉट बॉल। अब आखिरी गेंद है इस विनिंग की, छिया छिक्स, चार रन, तीन रन, दो रन, एक रन आएगा। नेक्स्ट मैच दोनों बेहतरीन शॉट पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, दूसरे रन की मांग है, दूसरा रन भी पूरा होगा या बल्लेबाज को लौटना होगा, लौट लिया बल्लेबाज, विकेट की दावा मधु संगीता दावा कमांड डीजे। शुक्रिया डीजे, 54 रन बनाकर जीतना होगा आसिफ इलेवन टीम को, जवाब देना होगा ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से, मिलेगा नहीं मिलेगा आप इंजॉय करें, ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, ये बदलने में वक्त नहीं लगता, हर चीज वक्त पर होने चाहिए। नेक्स्ट मैच की दोनों टीम कप्तान आ जाइए। मीरा रोड की टीम से गुजारिश है कि वो मैदान में आ जाए, मैच को जल्द से जल्दी शुरू करें, मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जो अगला मैच जो शुरू होने वाला है उनकी टीम के कप्तान, जो अंकलेश्वर के कप्तान शोएब पठान, अंकलेश्वर के जो कप्तान है, अंकलेश्वर की टीम के कप्तान शोएब पठान, उनसे गुजारिश है कि वो मंच की तरफ आए। साथ ही साथ मंडाला चंदू की जो टीम है, टीम दोनों कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आएगी, एक बेहतरीन गुजारिश है कि वो भी टॉस के लिए स्टेज की तरफ आ जाए। और मैं गफूर खान के खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि वो तैयार रहें। अहमदाबाद से हमारे बिरादरी के हमारे भाई, हेलो, अहमदाबाद से तशरीफ लाए जो हमारे बिरादरी के भाई फारूक चौहान साहब विजापुर वाले, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज की तरफ आए। फारूक चौहान साहब, जो अगली मैच का टॉस आपके हाथों किया जाएगा, फारूक चौहान साहब जो अहमदाबाद से यहां पर तशरीफ लाए, उनसे गुजारिश है कि वो मंच की तरफ आ जाए। साथ ही साथ जो अंकलेश्वर की टीम के कप्तान शोएब पठान साहब, वो और मंडाला की टीम के कप्तान, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज की तरफ आ जाए। एक अहम और ज़रूरी ऐलान मैं गफूर खान की टीम के लिए करना चाहूँगा। गफूर खान की टीम अगर सिक्स मारती है, छक्का मारती है, कोई भी खिलाड़ी गफूर खान की टीम का अगर सिक्स मारता है, तो समून चौहान उनकी तरफ से 100 रुपये का इनाम, और शरीफ चौहान पिलाने वाले जो आप लोगों के जवाई हैं उनकी तरफ से भी 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ गफूर खान की जो टीम है उनके खिलाड़ी अगर छक्का मारते हैं, तो हाजी आबिद साहब अंकलेश्वर वाले, इनकी तरफ से भी 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जो खिलाड़ी सिक्स मारेगा, 100 रुपये के चक्कर में खिलाड़ियों से गुजारिश है कि विकेट ना गंवाए। पैसा है हाथ का मैल है, आता है जाता है चले जाएगा, लेकिन 100 रुपये के चक्कर में ये जो शैतान आपको भड़का रहा है बहका रहा है, आप उनके ना जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो 100-100 रुपये का जो लालच आपको दिया जा रहा है उसके चक्कर में आप अपना विकेट ना गंवाए। अगली गेंद, कमेंटेटर कम ऑन। हेलो, ये दोनों टीमें कैप्टन आ गए,
दोनों टीमों के कैप्टन आ चुके, मैं गुजारिश करूंगा हमारे सलीम चौहान डिग्रेस से, वो आके टॉस करवाए। बहन भाई टॉस जो करवाएगा अपनी जेब से निकालेगा, 5 का हो या 10 का हो डॉलर। अगले मैच के लिए टॉस उड़ा और मुबारक मंडाला की टीम ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, बैटिंग। और जहीर भाई आपसे गुजारिश है कि वो टारगेट बताएं, गफूर खान की टीम का टारगेट बताएं। 54 का टारगेट है, 54 रन दरकार है गफूर खान की टीम को, 53 रन मीरा रोड की टीम ने बनाया ऑल आउट। जहीर भाई और ये कैच आसान सा कैच ड्रॉप हुआ, बहुत ही आसान कैच मीरा रोड की तरफ से ड्रॉप हुआ, शादाब की बहुत अच्छी गेंद। क्या छूटा है कि ये मैच छूटा, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। सभी का वेलकम है, लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, लाजवाब क्रिकेट की। बैट का किनारा भाग्यशाली रह गए विकेट कीपर ने, क्या छोड़ा है, ये थर्ड मैन पर गिर गई है। मीरा रोड की टीम अगर जीतती है ये मैच तो हाजी आबिद साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा करना होगा। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा बैट द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या होती हुई 3, 2 रन पर। चौपन रनों का टारगेट सेट करना होगा, चेजिंग करनी होगी। नो बॉल का इशारा आया है, ये लोहार भी में लीग है सुपर हीट, अगली गेंद है फ्री हीट, बल्लेबाजों पर लाइसेंस आया है, एक गेंद को सीमा रेखा भी दिखा सकते हैं। मराठी में भी एक कहावत है, उगड़ा डोए पानी पुरसा चेंडो है फ्री हिट। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम, 3 रन बने, 51 रनों की और दरकार है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जमील और एक तरबा सलमान आए बल्लेबाजी पर। शॉर्ट गेंद थी, गेंद शरीर को या बल्ले पर लेकर स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल हुई है, एक रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 4, अब 50 रनों की और दरकार है। शादाब गेंदबाजी पर, सलमान अब स्ट्राइक पर रहेंगे। अगली गेंद खेलते सयार, जिन्होंने विकेट कीपर पर खिलाफ जवाब कैच लिया था, बेहतरीन गेंद थी मगर ऑफ स्टंप छोड़ती भी, ऑफ स्टंप लाइन छोड़ती भी, वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा रन बचाने होंगे, एक्स्ट्रा मिश्रा कलबली भी बचाएंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा रन आपको इस मैदान पर रुकने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि गेंदबाजी करनी है तो अच्छी करनी होगी। लाइन टू लाइन गेंदबाजी, बल्लेबाजों को प्रेशर में लाना होगा, बिंदी गेंदें फेंकनी होगी, प्रेशर में कोई बिगड़ता है तो कोई निकलता है। इखला जब आप क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। बेहतरीन गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी गुड लाइन से उछाल लेती हुई, झांकते रहो का आदेश देती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। पौने एक बज चुके हैं, लाजवाब मुकाबले चले हैं, तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, इसके बाद 3 मुकाबले आएंगे, फिर उसके बाद 6 टीमों में ड्रॉ किया जाएगा या कमेटी कौन से अंदाज में मुकाबले खिलाएगी। ऑन साइड पर गेंद को मिड विकेट के सर के ऊपर से खेल दिया,
वन टू थ्री गेसी मारेगा के बाहर ये अदावा केपीएल शेवगा कमा लीजिए शुक्रिया डीजे। आने वाली 42 गेंदे और 45 रनों की दरकार है। क्या मुकाबला है, कौन सी टीम आगे जाएगी तो आने वाला वक्त कहलाएगा, मगर लड़ना होगा। आप इस मैदान पर बल्लेबाजी नहीं, आप गेंदबाजी का जलवा दिखाना होगा मेरा टीम को। गेंदबाजी पर विकेट चपकाने होंगे। अय्यूब गेंदबाजी पर आए हैं, नाम बड़ा है, 44 नंबर की जर्सी है। 45 रन तो बनाने हैं आने वाली 42 गेंदों में। जर्सी नंबर है 44। इकला जवाब गेंदबाजी का जलवा भी करना होगा अय्यूब का। स्ट्राइक पर जमील, ऑन साइड पर खेलने का क्लीन बॉल, स्विंग नीचे डाउन होता हुआ स्विंग। जमील आउट हुए हैं, न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हो रहे हैं। अय्यूब मेंसर वाले, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और ऐसे ही अगर आप बॉलिंग करेंगे तो आपकी टीम जीत की कगार पर पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। इस्माइल न्यू बैटर आए हैं जमील की जगह लेने के लिए और आपने सही कहा अय्यूब की बेहतरीन गेंद थी, ऑन साइड खेलने गए और बल्ले का बराबर संबंध है, विकेट पर मना। अय्यूब भाई आपको ₹100 का इनाम हाजी आबिद साहब की तरफ से है। अय्यूब भाई मेंसर वाले, आपको ₹100 का इनाम हाजी आबिद साहब की तरफ से है, आप इनसे कलेक्ट कर लीजिएगा और ₹100 का इनाम किस तेरी तरफ से। बेहतरीन शॉट है जमीनी शेयर करती हुई। अय्यूब भाई मेंसर वाले, आपको इस विकेट लेने पर ₹100 का इनाम हाजी आबिद भाई की तरफ से और ₹100 का इनाम समून चौहान इनकी तरफ से, समून गफूर खान स्टेट। मैं सॉरी गलती हो गई, समून सिंघानिया मलसी सर वाले इनकी तरफ से ₹100 का इनाम अय्यूब भाई आपको। और अय्यूब भाई जो आप चौका दे रहे हैं छक्का दे रहे हैं इसमें आपका पैसा माइनस भी हो सकता है, आप जरा थोड़ा ध्यान दें नुकसान में ना जाए, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं। अच्छी गेंद टप्पा घिरने के बाद सीधी स्विंग होती हुई। बहुत ही अच्छी गेंद का मजा आ रहा है अय्यूब मेंसर अय्यूब कपूर इनकी तरफ से, अपनी टीम को एक संघर्ष की तरफ ले जाते हुए, एक काफी अच्छी मेहनत मीरा रोड की। अरे वो बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी कोशिश मगर नाकाम रहे। गेंद को रोकने में नाकाम रहे। ए अब्दुल फिरोज ने बहुत अच्छी फील्डिंग का मजाहरा किया। फिरोज ने गेंद को पकड़ने की कोशिश की, अगली गेंद अय्यूब की। और ये बहुत अच्छा खेला और चार रन गफूर खान की टीम को मिला है। चार रन से गफूर खान का स्कोर बढ़ता हुआ थोड़ी हलवे चाल घुंघरू टूट जाएगा। Oh,
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा हुआ है, मगर बल्लेबाजी का जलवा उससे लाजवाब हुआ, इसको जा पहुंचता हुआ। 18 रन बने दो ओवर की समाप्ति के बाद, लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा होता हुआ। मैं यहाँ के वॉलंटियर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर खाने का इंतजाम हो गया हो वहां पर, अगर मैनेज हो गया हो खाने का, तो मैं अनाउंसमेंट कर दूं खाने के लिए। आप मुझे सिग्नल दीजिए, लंच का टाइम हो चुका है, अगर वहां पर इंतजाम मुकम्मल हो चुका हो तो आप लोग इतला दीजिए ताकि खाना शुरू किया जा सके। शादाब गेंदबाजी पर आए हैं, तीसरा ओवर लेकर 18 रन बने हैं, 36 बॉल 36 रनों की ओर दरकार है। अब बॉल टू बॉल एक्विशन आई है, क्या मजा कुछ आएगा इस मैच में, ये देखने वाली बात होगी। लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे, कहते हैं ना ये क्रिकेट का मैदान जंगल है तो जंगल का शेर को नहीं ये पता चलेगा, मगर लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे। ये तो जाके ये पिक्चर अभी आना बाकी है, चलिए ज़्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए मेरा टीम, क्योंकि एक बच चुका है, इसके बाद बहुत मुकाबले आने भी बाकी है, तीन मुकाबले आते आते शाम हो जाएगी, उसके बाद तमाम दर्शकों से, तमाम हमारे भाइयों से, बिरादरी के भाइयों से, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि खाना शुरू हो रहा है, आप हजरात वहाँ पर मंडप की तरफ जा सकते हैं खाना खाने के लिए, खाना शुरू हो रहा है। अच्छी गेंद थी, बैक फुट पर के हाथों से खेला, गेंद पॉइंट पर जाते हुए खिलाड़ी जब तक खींच कर गेंद को कलेक्ट कर पा दे, एक रन निकालने का मौका आता हुआ। एक एक रन के साथ अब लड़ना है, पसीने गंवाने हैं, मेहनत करनी है, मेहनत बिना कुछ नहीं मिलेगा। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। खाना खाने के लिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप मंडप की तरफ चले जाएं, जो सामने जो लेक साइड की तरफ जो मंडप बंधा हुआ है, नेट के पास में जो मंडप बंधा हुआ है वहां पर जाकर खाना खा लें। कट करना चाहते थे सलमान, मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल। और तमाम लोगों से, हमारे जितने भी दर्शक हमारे भाई लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुजारिश है कि जो कचरा जो भी रहेगा, जो भी यहाँ पर वेस्टेज होगा, तो वो कचरे के डब्बे में डालें, कचरे के डब्बे में कचरा डालें मेहरबानी करके। आउटसाइड पर खिलाड़ी थे, हां ना करते हुए गेंद छुट्टी भी नजर आई। एक एक कैच आपके लिए कीमती है दोस्तों, ये मैच बनाना होगा। अब मैं हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम हमारे मेहमान सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी आप खाए पिए, डस्टबिन आपके सामने रखी है, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों हर कल भी इस मैदान पर मुकाबले खेले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह मैदान बेहतरीन खूबसूरत है, आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको हर साल खेलने की विनंती मिलेगी। डिफिशन एक लाजवाब अंदाज में होना चाहिए, क्योंकि हर कमेटी ने आपको भरोसा रखा है, वैसी कमेटी को ये मैदान पर खूबसूरती आप देंगे उतनी मोहब्बत ही होगी। जमील की लग लिया, आउट साइड खेलना चाहते थे, स्लाइम इस्लाम इस्माइल है वहां पर, लेक भाई का इशारा बाद वाला आता हुआ। इसको जावो जावा 21 अच्छी खेल थी, डिफेहाना में नाम एक रन आउट का मौका है, मगर बल्लेबाज देखने का अंपायर का कहने नहीं आएगा, सेव होते हुए कॉलिंग यस नो वेट यस, सही तरीके से होनी चाहिए दोस्तों, एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी है। थर्ड अंपायर पर निर्णय दिया, कोई नहीं जाएगा आगे, रिप्ले आप देखेंगे, थर्ड अंपायर तक ये डिसीजन पहुंचाए गए हैं। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ।
तमाम दर्शकों से गुजारिश है, हमारे बिरादरी के तमाम भाइयों से गुजारिश है कि खाना शुरू हो चुका है, आप हजरात खाने के लिए तशरीफ लाएं। जो सामने की तरफ मंडप लगा हुआ है, नेट के पास में जो मंडप है, वहाँ पर जाकर आप लोग खाना खाएं। एम्पायर से ज़्यादा बात कोई ना करे। और मैं तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश करता हूँ कि अंपायर से कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें, अंपायर से आर्ग्यूमेंट ना करें, मेहरबानी करके। चलो मेरे भाइयों और तमाम हमारे कमेटी मेंबरान, तमाम दर्शक और हमारे सभी खिलाड़ी मेहमान, लंच वो मंडप में चालू किया गया है, खाने का इंतज़ाम है। और जो जो टीमों के मैच हो चुके हैं वो भी टीम जाए, जिन्हों मैच टीम के बाकी हैं वो रुके, सभी को खाना दिया जाएगा। हमारे भाइयों से गुजारिश करूंगा कि साफ सफाई का खास तौर से आप लोग ख्याल रखें। जहीर भाई ने जो अनाउंसमेंट किया है, जहीर भाई यहाँ के लोकल हैं, जो अच्छी तरह से आप लोगों को उन्होंने बता दिया है कि इस ग्राउंड को जो हमारे ट्रस्ट वालों ने दिया है, बहुत ही भरोसे पर हम लोगों को यह ग्राउंड दिया है, आगे भी हमें यह ग्राउंड मिले ऐसा हम लोगों को मुजाहरा करना पड़ेगा, ऐसा साफ सफाई का एक मिसाल हम लोगों को पेश करनी पड़ेगी। जो भी हम लोग खाए पिए, जो भी बचे, जो वेस्टेज हो, उसे डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में डालें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और मैदान का ख़ास तौर से सफाई का ख्याल रखें, आप तमाम लोगों से गुजारिश है। सही कहा सर जी, यहाँ पर गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज के भी मुकाबले खेले जाते हैं। और उसके बाद ये ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, आप देखते हैं कि हर खिलाड़ी, हर टीम, समाज चाहता है कि नारंगी के मैदान पर जाए, हमारे खेल का जलवा हम देख रहे हैं। गुजारिश करूंगा जो लोग खाना जो खाएंगे वो मंडप में ही खाएं, बाहर ना लाएं खाना, बस मैं सभी से जो है वो बाहर लाके ना खाएं, मंडप में बैठकर खा लें, इत्मीनान से खाना खा लें। और बैठकर खाना भी सुन्नत है मेरे भाइयों, और आराम से बैठिए और खाना खाइए, वही मंडप में आप वहाँ पर डस्टबिन। मीरा रोड की हमारी टीम से गुजारिश है कि आप लोग इसको लेट ना करें, खेल को आप लोग लेट ना करें। अच्छा, अंपायर का डिसीजन चल रहा है। ओके ओके ओके, नॉट आउट, चलिए मैच ऑन। नॉट आउट का डिसीजन अंपायर द्वारा, नॉट आउट का डिसीजन थर्ड अंपायर के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वो नॉट आउट। चलिए एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा और मैच ऑन होता हुआ। अब मुकाबला जीतने के लिए बात की जाए तो रन संख्या बनी है 22, 54 रनों का टारगेट है। बावीस रन बने हैं। ये मंगी विकेट अश्विन की यादें ताजा हो देवी, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, पसीने कमाने पड़ेंगे। क्या बात है, शादाब ने जो कोशिश की मगर बल्लेबाज भी उतने होशियार थे ना, हो पाए बल्लेबाज भी उतने होशियार थे। शादाब अगली गेंद फेंकने के तैयार, शॉर्ट गेंद आउटसाइड पर, खेला है गेंद पहले के सर के ऊपर से डीप फाइन लेग पर जा रही, खिलाड़ी उस गेंद का पीछा करते हुए, जब गेंद को कलेक्ट करेंगे दो रन आसानी से पूरे किए जाएंगे। इस दो रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 24, अब 30 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी मैच ऑन है, 50-50 का मुकाबला है, लड़ना होगा क्योंकि गेंद है मैदान पर 30 और रन आने बाकी है 30। अब दोनों तरफ मुकाबला है मगर कौन सी टीम यहां पर आगे पड़ाव लेगी, आसिफ 11 या मीरा 11। एक ब्रेक के बाद फिर आएंगे आपके पास कमांड डीज। रूप का तोड़ नहीं रे तरलू सिसे में चढ़के न्यू छन छन बजे कागड़ी जनों बिजली रे कड़के अगर रूप का तोड़ नहीं रे तरलू सिसे में चढ़के अगर गाने याल जुमता दिल कहीं अके लूट जावेगा। बॉलिंग पर कौन आया है बताना होगा, एजाज आया है 14 ओवर लेकर, 30 गेंदे और 30 रनों की दरकार है मगर आप बल्लेबाजों को अपने गियर खोलने होंगे क्योंकि ये मैच 30 बॉल 30 रनों का है मगर एक दो विकेट टॉप एशियर में आएंगे। एजाज दी बॉलर, विकेट गवेंगे तो आप पेशर में आएंगे, पेशर में कोई बिकरता है तो कोई निकरता है दोस्तों। बेहतरीन शॉट कवर के ऊपर से खेलती है गेंद, वही एक्स्ट्रा कवर पर जाती हुई, जब तक गेंद को रोका जाता दो रन निकलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास आता। वहां आप मीरारो टीम को यह ध्यान में रखना होगा, देखिए एक को तीन में तब्दील करता हुआ भाग रहे मिगरा, भाग भागने की जरूरत है
क्योंकि जहां पर एक रन बनता था वहां पर दो बने, दो पर तीन बने, यही तो क्रिकेट का खेल है ना। सिंगल को नहीं भूलना चाहिए, क्रिकेट सिंगल को माना गया है तो बेसिक माना गया है। हमारी भारत की लोकल ट्रेन है तो यहां पर क्रिकेट सिंगल के ऊपर बेसिक मानी गई है। फुल टॉस बनाकर गेंद को मोड़ दिया, ऑन साइड पर गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करते एक रन निकालने का मौका। ये मैच ऑन है, 26 रनों की अभी भी दरकार है, लड़ना होगा, पसीने गवाने पड़ेंगे। 28 रन गफूर खान स्टेट के हो चुके एक विकेट के नुकसान पर, और 26 रन बनाने भी हैं। जमील और इस्माइल, जमील स्ट्राइक पर है, रोनाल्ड स्ट्राइक पर, इस्माइल गफूर खान स्टेट के होनहार खिलाड़ी। 26 रनों की दरकार, जमील स्ट्राइक पर, अगली गेंद खेलता यार, रिवर्स के अंदाज में खेला, गेंद टर्मान में ट्रैवल हो रही है, जब तक गेंद को फील किया जाएगा, एक को पूरा किया, दूसरे के लिए निकले हैं, दूसरा रन भी पूरा करते हुए इस्माइल और जमील एक बेहतरीन साझेदारी को जोड़ रहे हैं, अपनी टीम के लिए सागर भर रहे हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है, वही सागर को भरा जा रहा है, जानते कि ये मुकाबले की अहमियत कितनी बड़ी है। ये मुकाबला गंवाया तो घर का रास्ता नापना पड़ेगा, इस मुकाबले को जीता तो इस मैदान पर रात भर रुकना पड़ेगा। फिर बेहतरीन अंदाज में खेला है, पॉइंट पर खिलाड़ी है, गेंद को फील किया जाएगा, एक रन जरूर मिलेगा। ये नारंगी का मैदान है, आप देख रहे हैं नारंगी का मैदान, नारंगी एक लाजवाब मैदान, और एक तारीख से क्रिकेट का महासंग्राम इसी मैदान पर आने वाला है। एनसीसी ट्रॉफी 2024 का 25वां साल एनसीसी ट्रॉफी के लिए जाएगी, उसमें 7 और 8 तारीख को ऑल इंडिया ओपन के तमाम सितारे देखने को मिलेंगे, लीग फॉर्मेट मुकाबले होंगे। अच्छी गेंद, टप्पा खेलने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल। हमारे तमाम मेहमान जो अंकलेश्वर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद से तशरीफ लाए, सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का इस्तकबाल है। हाजी आबिद साहब, सलीम भाई, बगड़ वाले, आश्रम की गेंद थी, बैट का एज लगा, गेंद थर्डमैन पर गई है, जब एक पूरा किया, दूसरे के लिए निकलेंगे, दूसरा भी पूरा किया जाएगा, एक को दो में तब्दील कर रहे हैं। और भाईजान आपने सही कहा, सभी मेहमान हमारे दूर दूर से आए, वो तमाम मेहमानों ने इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगते हुए। फारूक भाई दोस्तों अहमदाबाद से तशरीफ लाए, सभी भाइयों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अंकलेश्वर जिन्होंने तशरीफ लाए, जिन्होंने अपने कीमती वक्त को नहीं देखा, अपने घर को नहीं देखा, सिर्फ देखा तो ये समाज को देखा है, इस्तकबाल है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि समाज हमारे एक प्लेटफॉर्म पर आए, बिरादरी के हमारे तमाम भाई जो वहाँ पर मौजूद है, उस मेरे उस तरफ, मेरी दाएं तरफ मैं देख रहा हूँ, हारून पठान साहब 24 गेंदों का खेल आना बाकी है, यहाँ पर है तमाम खिलाड़ियों के बीच में बैठे हुए हैं, महमूद पठान साहब आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। यूथ कांग्रेस के अंकलेश्वर के अध्यक्ष हमारे हारून पठान साहब, हमारे महमूद पठान साहब, हमारी बिरादरी की शान, अंकलेश्वर से आप तशरीफ लाए, आप बहुत बहुत आप लोगों का इस्तकबाल, आप और तमाम टीम का बहुत बहुत इस्तकबाल। साथ ही साथ हमारे और भी हमारे भाई यहाँ पर मौजूद है, बैठे हुए हैं, तमाम लोगों का, आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, और इसी तरह से YouTube के माध्यम से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो हमारे बिरादरी के भाई इस मैच को देख रहे हैं, हमारे बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, भाईजान एक मिनट आपको रुकाता हूं, हमारे तमाम बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, आप लोग इस मैच को जो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहिए, शाम तक रात तक ये मैच चलेगा, आप लोग थोड़ा सा फारिग होकर इस मैच को जरूर देखें और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि मैच में डिले ना करें, लेट ना करें, मैच को फौरन शुरू करें, मीरा रोड और गफूर खान की ये टीमों को मैं शुक्रिया शुक्रिया। गफूर 11 टीम बना, मीरा रोड के बीच ये मुकाबला आप देख रहे हैं, 24 गेंदों में 21 रनों की दरकार है, 33 बोर्ड पे लग चुके हैं, लाजवाब गेंदबाजी का जलवा भी करना होगा, बल्लेबाजी का भी जलवा भी करना होगा। दोस्तों कहते हैं ना, इलाका किसका भी हो, धमाका हमारा होना चाहिए, मगर हम इलाके लेकर आए हैं, इरादे लेकर आए हैं इस मैदान पर, मगर इलाके में बदलाव नहीं होने चाहिए, धमाका होना चाहिए, गेंदबाज या फिर बल्लेबाज करना चाहिए, वो धमाका होगा तो ये मैच बनाने का मौका मिलेगा। गेंद है मैदान पर, 24 रन आने बाकी, 21 धोनी संघाल हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों का हार्दिक बधाई। आप देख रहे हैं लोहार प्रीमियर लीग का KPL 2024 सीजन नंबर 1 लाजवाब बेमिसाल है,
खूबसूरत मैदान पर, वो है नारंगी का मैदान। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ, यही क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। जमील की लगी गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा आया है, एक्स्ट्रा रन के साथ गेंदबाजों ने शुरुआत की है, मगर ये एक्स्ट्रा कल भली मचाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। राज की बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा अपनी हाइट का फायदा उठाते हैं और बहुत ही अच्छी उम्दा गेंदबाजी करते हैं। बहुत अच्छे खेल का मजाहरा मिराज सिंघानिया की तरफ से होता है और अगली गेंद मिराज की, राउंड द विकेट, राउंड द विकेट और ये फुल टॉस गेंद जिसे रिवर्स मारना चाहते थे जमील, मगर कामयाब नहीं हुए, बीट हुए। राइट मोड से गेंदबाजी होती भी नजर आ रही है, जमील थे वहां पर, स्वीप करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का बराबर संबंध नहीं हो पाया और गेंद विकेट स्क्वायर लेग क्षेत्र में ट्रैवल हुई। जब तक आके गेंद को विकेटकीपर ने क्लिक किया, निकालने का मौका था, स्कोर जाकर आगे पहुंचता हुआ 35-35 रन बने हैं, 19 रनों की और दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाजों को घेर बदलने होंगे। राइट आर्म ओर से गेंदबाजी होती हुई, स्माइल स्ट्राइक पर, नॉक स्ट्राइक पर जमील, अगली गेंद के तैयार, मिराज की अगली गेंद और बेहतरीन ड्राइव की, अगेंद जाती हुई कवर से, अच्छा कवर लॉन्ग पर, लॉन्ग पर सीधा ही जाएंगे, यहां पर मौजूद फील्डर, यहां पर मौजूद, दो रन लेने का मौका मिला। और सलीम भाई अगली शेर शायरी करने के लिए सलीम चौहान साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब के हम परिंदों को नहीं जचती हवस की दुनिया, हम परिंदों को नहीं जचती हवस की दुनिया, इससे तो लाख भली है वो कफस की दुनिया। दरअसल मैं शेर दूसरा सुनाना चाह रहा था आपको, फोन के चक्कर में मैं शेर बदल चुका हूं। तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए जी। अड़तीस रन, एक विकेट के नुकसान पर जमील और इस्माइल अब भी मौजूद, पांचवा ओवर चल रहा है ये। अगली गेंद मिराज की, मिसफील्ड, मीरा रोड के खिलाड़ियों के द्वारा मिसफील्ड हुई और ये दो रन लेने में कामयाब हुई है गफूर खान स्टेट के खिलाड़ी। मीरा रोड की टीम को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए, ये कोई नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे खेल का मजाहरा करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो आप लोग इस मैच को जीत सकते हैं। गफूर खान इस्माइल, बहुत ही अच्छा शॉट और ये कैच छूटता हुआ और चार रन के लिए, बाउंड्री लाइन के बाहर। शुक्रिया डीजे। चेयर गर्ल फिरोज, उनसे गुजारिश है कि आप मैदान की तरफ आए, ये ठीक नहीं है, आपने पैसा पूरा लिया है, आपको अपना काम करना पड़ेगा। हसन भाई, मैं तमाम आसिफ भाई आपसे विनंती है कि मैच कोई भी जीते, अंदर कोई भी नहीं जाएगा, मैदान के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना होगा। मैच कोई भी जीते, ये समाज के मुकाबले खेले जा रहे हैं, हार जीत एक तरफ है, मगर दोस्तों अंदर कोई भी नहीं जाएगा, ये याद रखिए। बेहतरीन शॉट, गेंद ने ऊंचाई ली है, मिड पर खिलाड़ी है, कैच बनेगा, मैच बनेगा, क्या ड्रॉप, एक को दो में तब्दील करते हुए नजर आएंगे। स्कूल आगे सरकता हुआ 46 रनों पर, अब सिर्फ 8 रनों की दरकार है ये मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला तहा का, मुकाबला आया क्या है कि तेज तूफान को हैरान बहुत करते हैं, सरफिरी मौजों का नुकसान बहुत करते हैं, डूब तो जाते हैं दरिया की रवानी में, मगर हम समंदर को परेशान बहुत करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे सलीम साहब। ये अगली गेंद मिराज की, धीरे से पुश किया इस्माइल ने, इस्माइल बहुत अच्छा बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को जिताने की पूरी पूरी कोशिश इस्माइल और जमील के द्वारा, एक विकेट के नुकसान पर 47 रन हो चुके हैं।
18 बॉल में सिर्फ 7 रनों की जरूरत है, 18 बॉल में सिर्फ 7 रनों की जरूरत है गफूर खान स्टेट को। गफूर खान स्टेट जीतने की तैयारी में, पूरी तरह से जीतने की तरफ, और बच्चों में जो जश्न मनाने की जो दिलचस्पी है बहुत बढ़ती जा रही है। मेरे साथ सलीम चौहान साहब हैं, मेरे दाईं तरफ हमारे जुबैर साहब, जुबैर सिंघानिया साहब अकोला से तशरीफ फरमा है, साथ ही साथ हमारे मुलतई से और शाहरुख सिंघानिया, अरशद चौहान और सलमान खान डिगरस से, उसको सलमान खान ही बोलता हूँ मैं। और हमारे जितने भी बराड़ से हमारे बिरादरी के भाई तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, आप लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। मीरा रोड की टीम जीतेगी तो 500 रुपये का इनाम। अयूब सिंघानिया का फोन मुझे आ रहा है, मैं फोन, एलपीएल के ऑर्गेनाइजर अयूब सिंघानिया साहब, आपका फोन, बोलो। स्टेट को सिर्फ 1 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। और ये मीरा रोड की टीम हार चुकी है, गफूर खान स्टेट की टीम जीत चुकी है। गफूर खान के तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि वो मेरी तरफ आ जाए। गफूर खान टीम, गफूर खान टीम गफूर खान के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि इस तरफ आ जाए। गफूर खान के तमाम खिलाड़ी, स्टेट के तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो इस तरफ आ जाए। गफूर खान के खिलाड़ियों,